हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, या फिर इसे कह सकते हैं हम कार्पल। ठीक है, आप सभी को पता होगा कार्पल के बारे में कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आज से बिगनिंग होने वाली है। इस लेक्चर से हमने अब तक क्या पढ़ा था, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा खत्म हो चुका है। आज से हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, या फिर कह सकते हो कार्पल। अब किसी फ्लावर्स के अंदर हमें एक से ज्यादा कार्पल देखने को मिलती है, या फिर एक ही कार्पल देखने को मिलती है, तो उसको ही पढ़ने वाले हैं कि उस कंडीशन में एक फ्लावर क्या कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो थ्री मेजर पार्ट्स क्या होते हैं फ्लावर के, मतलब फीमेल के, ओवरी, स्टाइल और ये स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? एक लैंडिंग सरफेस है जो हमारा एंथर में से जो पोलन ग्रेन्स डेवलप होकर के आए हैं उसके लिए एक तरह का लैंडिंग सरफेस है, जहां से पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर लैंड करेंगे और सीधे पोलन ट्यूब के सारे अपने ओवरी में जाकर के फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, ये थी यहां तक की प्रोसेस। मैंने आपको बताया था अभी मेरे ख्याल से 5 से 6 वीडियो बनी थी पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, उसमें क्या क्या पढ़ा था एक बार उसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारे पास क्या था। एक ये फिलामेंट होता था, ठीक है, और ये हमारा एक एंथर। ओके, तो ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया, और इसको मिलाकर के हमारा पूरा क्या बनता था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इससे क्या बोलते जाते, इसे बोलते थे हम स्टेमेन, इसे बोलते थे हम स्टेमेन। और ये जो एंथर है वो थी हमारी बायलोट होती है, ये तो आपको सबको पता है ना। तो वायलोट होती है, तो देखिए अगर आप इसको जूम करोगे ना एंथर को, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मैं इसको रख लेता हूं। जब आप इस एंथर को जूम करके देखते हो तो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया क्या, एक एंथर। अब इस एंथर के चारों कोने पर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होती है, एक टेट्रागोनल अरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं। मैं देखो उसका पूरा ओवरव्यू देख लेता हूं, मतलब हमने क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो एक बार हमें देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया अब तक, जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया है जो कि चारों कोने पर लोकेटेड है। अब जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, हमारे पोलन ग्रेन्स के लिए। एक बार मैं वो क्लियर कर दूं कि जो भी आने वाला हमारा टर्म गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट क्या होता है, जो कि किसी, या फिर हमारा मेल गैमेट हो सकता है या फिर हमारा फीमेल गैमेट हो सकता है, उसको कंटेन करने वाला। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारे क्या है, इसके 4 लेयर्स होती है, आपको पता सबको, टेप्टम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम और एपिडर्मिस, ये सब हमारी क्या होती है, 4 लेयर। वैसे अगर हम क्रम में देखोगे इनको, तो सबसे पहले आपकी आती है एपिडर्मिस, माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए बता रहा हूं मैं। फिर उसके बाद आती है आपकी मिडिल लेयर, फिर उसके बाद एंडोथीसियम, फिर उसके बाद आती है आपकी टेप्टम। ओके, तो ये आपकी 4 लेयर होती है जो कि सीरियल वाइज है। ये जो टेप्टम होती है ये क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि अंदर डेवलपिंग स्टेज में हमारे पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं। तो ठीक है, हमारी 4 लेयर होती है इसकी, और ये क्या है, हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये रेस्पॉन्सिबल है कि हमारा पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो। अब जो यहाँ पे स्पोन्जिनस टिश्यूज होंगे उसमें से एक सेल क्या करेगा, म्यूसिस शो करेगा, और म्यूटेड डिवीजन शो करने के बाद वो आगे चल करके एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। सबको, आप सबको पढ़ रखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात तो यही नहीं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो आप मेरे 5 से 6 वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको देख लें। ठीक है, बहुत क्लियर में समझाया मैंने। तो ये क्या है, हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड तैयार हो जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड तैयार होने के बाद हमारा एक पोलन ग्रेन्स बन जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, ये पूरा क्या क्या था, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे मैंने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या थी, जिससे हमारा पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता था, और ये सब था। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, या आप इसे कह सकते हो कार्पल। 3 मैंने बताई, इसके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दी जाता 3 मेजर पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड इनसाइड द ओवरी इट कंसिस्ट लोक्यूल, या इसे कह सकते हो ओवेरियन कैविटी। ये क्या हमारा, ये आप इसे कह सकते हो लोक्यूल, या आप इसे कह सकते हो ओवेरियन कैविटी, इसको, क्योंकि ये इनसाइड है
किसके ओवरी के, तो इसे कह सकते हो आप ओवेरियन कैविटी या फिर कह सकते हो इसे लोक्यूल। एनसीईआरटी में एक एक लाइन दे रखी है, आप उसको पढ़ सकते हो। मैं तो बस ये कि एनसीईआरटी को पूरा समराइज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप एक बार क्या है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना यहाँ से जाने के बाद, तो कोई भी टॉपिक आपका रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या है हमारी ओवेरियन कैविटी कह सकते हो, और इस ओवेरियन कैविटी के यहाँ पर ये होता है आपका प्लेसेंटा, ये हो गया आपका प्लेसेंटा, ओके। ये प्लेसेंटा हो गया, और यही प्लेसेंटा से अराइज होता है आपका ओव्यूल, या आप उसे कह सकते हो माइक्रोस्पोरिंजिया, ओ सॉरी मेगास्पोरिंजिया, माइक्रोस्पोरिंजिया ये कह सकते हो उसे मेगा स्पोरिंजिया, ठीक है। या आप इसे कह सकते हो ओव्यूल, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी इसमें, ठीक है। ये क्या हो गया मेगा स्पोरिंजिया, इसे ओव्यूल को कह सकते हैं मेगा स्पोरिंजिया। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको एक चीज समझने की बात है, जो आपका मेल सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, इसे क्या कहते हैं एम्ब्रियो सैक। यहां पर आपको जो फीमेल गैमेट कंटेन करता है उसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है यहां से, और एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहां पर जो आपका मेगा स्पोरिंजिया होता है ना, जो वहां पर आपका क्या होता था माइक्रोस्पोरिंजिया, एंथर के अंदर टेट्रागोनल अरेंजमेंट जो होता था वहां पर क्या है वो माइक्रोस्पोरिंजिया है, क्योंकि वो बहुत स्मॉल स्मॉल है, और मेगा का मतलब ही होता है लार्ज, ठीक है। इसका मतलब मेगा स्पोरिंजिया जो कि फीमेल के अंदर प्रेजेंट है, वैसे क्या बोलते हैं ओव्यूल। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए अब इसी के बाद ये जो आपको ओव्यूल है ऐसे बात करने वाले, पहले आप एक बार देखना कि मोनोकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी का मतलब क्या है। देखिए किसी फ्लावर्स के अंदर या तो एक कार्पल होगी, ठीक है। अब किसी फ्लावर्स के अंदर एक से ज्यादा कार्पल होगी, जब एक से ज्यादा कार्पल होगी ना तो क्या होगा, कोई ना कोई कार्पल आपस में फ्यूज हो सकती है और फ्यूज नहीं हो सकती है। तो उस कंडीशन क्या कहेंगे, मतलब दो कार्पल आपस में फ्यूज है उस कंडीशन को, और दो कार्पल आपस में नहीं फ्यूज है तो उस कंडीशन क्या कहेंगे। अगर दोनों कार्पल आपस में फ्यूज है तो उसे बोलेंगे हम सिंकार्पस, ठीक है। और अगर दो कार्पल आपस में फ्यूज नहीं है, वो एक फ्री स्टेट में है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम एपोकार्पस। मैं लिख देता हूं सिंकार्पस, और ये क्या है एपोकार्पस, ये आपकी क्या है फ्यूज, और ये क्या है फ्री, ठीक है। सिंकार्पस एपोकार्पस समझ में आ गया। सिंकार्पस क्या था, अगर दो कार्पल आपस में फ्यूज है एक फ्लावर में तो उसे बोलेंगे हम सिंकार्पस, ये हमने पढ़ लिया 11th क्लास में, ठीक है। एक बार रिकॉर्ड करूं, एपोकार्पस कैसे बोलते थे, अगर दो कार्पल है दोनों कार्पल आपस में मतलब फ्यूज नहीं है कंबाइंड नहीं है तो उसे बोलते हैं फ्री स्टेट, और उसे बोल देंगे हम एपोकार्पस। और ठीक है ये मोनोकार्पल मतलब एक फ्लावर के ऊपर, एक पर्टिकुलर फ्लावर के ऊपर एक ही कार्पल प्रेजेंट है तो उसे बोल देंगे हम मोनोकार्पलरी फ्लावर, और अगर किसी फ्लावर के ऊपर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे हम मल्टी कार्पलरी, मतलब एक से ज्यादा कार्पल उस पर प्रेजेंट है। तो ये तो बात है हमारी कार्पल की। अब जब हम देखने वाले हैं, यहां पर हमने पढ़ा था कि इनसाइड द ओवरी क्या प्रेजेंट होता था, हमारा लोक्यूल। लोक्यूल को और कह सकते हैं, मतलब लोक्यूल को दूसरी भाषा में कहें तो उसे कह सकते हैं ओवेरियन कैविटी, ठीक है। तो जो ओवेरियन कैविटी होती थी उसके नीचे भी मतलब एक बल्ज पोर्शन में हमारा प्लेसेंटा प्रेजेंट होता था, और प्लेसेंटा से ही हमारा अराइज होता है क्या मेगा स्पोरिंजिया, या उसे कह सकते हैं ओव्यूल। अब देखिए किसी फ्लावर्स के अंदर एक ओव्यूल होगा, या किसी फ्लावर्स के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, इस आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, देखिए मैंने लिख रखा है ये ओव्यूल है हमारा। इफ फ्लावर कंसिस्ट ओनली वन ओव्यूल, इफ फ्लावर कंसिस्ट ओनली वन ओव्यूल, तो उसके एग्जाम्पल है हमारे वीट, पैडी और मैंगो। वीट पैडी मैंगो या किसी ना किसी तरीके से याद रख सकते हो इनके, अब अपने मन से बना लेना कोई भी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कि मतलब अगर
एक फ्लावर है हमारा, उसके पास एक ही ओव्यूल है, तो उसके एग्जांपल क्या होंगे, या तो वो बीट हो सकता है, या वो मैंगो होगा, या वो होगा पेडी, ओके। और अगर कोई भी फ्लावर है हमारा, उसके पास एक से ज्यादा ओव्यूल्स है, या पर बहुत ज्यादा ओव्यूल्स है उसके पास, तो उसके भी कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आपको दे रखा है पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड। ये क्या है, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर विच कंसिस्ट मोर देन वन ओव्यूल्स। तो ये था पूरा आज का लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल कार्पल। मैंने आपको डिटेल स्ट्रक्चर दिया किसका, एक पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि आगे हम इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं वो भी बताता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, या आप इसे कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजिया, इसका पूरा डिटेल लेक्चर आने वाला है, ठीक है, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा उसको। तो अगले वीडियो के लिए वेट करेंगे, और इस पूरे लेक्चर में इतना था। बस आपको यहाँ से क्या याद रखना है, आपको ये चीज याद रखनी है, ये एम्ब्रियो सैक, कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को यहाँ पर आप एम्ब्रियो सैक भी कह सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और मोनोकार्पली मल्टीकार्पली ओव्यूल दो तरह के हो सकते हैं, मतलब दो तरह के नहीं, एक प्रेजेंट हो सकता है किसी फ्लावर में, और किसी फ्लावर में एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल नोट कर लेना, और क्या याद रखना आपको, ये तो आपको थ्री पार्ट पता होगा, फ्लावर के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ये याद रखना कि ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होता है, ओवेरियन कैविटी के बिल्कुल नीचे प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से ही हमारा अराइज करता है क्या, हमारा ये ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजिया। तो इस लेक्चर को बस अभी यही समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में बात करेंगे आपसे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल देन शेयर विद योर फ्रेंड, थैंक यू।